राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से कल हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब ने एक पहली लिस्ट जाहिर की है। उसमें काटोल मतदार संघ से अनिल देशमुख, मतलब मेरा नाम डिक्लेयर किया है। मेरा नाम डिक्लेयर किया, हम एक दो दिन में हमारे सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे भी चर्चा हम करने वाले हैं और पार्टी से चर्चा करके अनिल देशमुख चुनाव लड़ेंगे या सलील देशमुख चुनाव लड़ेंगे, इसका अंतिम निर्णय हम दो दिन में करेंगे। और इसके बारे में वरिष्ठों से चर्चा हुई है और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता से चर्चा करके हम निर्णय लेके 28 तारीख को जो भी निर्णय होगा उस प्रकार का फॉर्म भरेंगे। मैं नहीं, वहाँ पे मोर्चे में हमारे पास 5-6 अर्जी आई है, उसमें से जल्द निर्णय होके हम उसको जाहिर करेंगे। एनसीपी को हमारी बहुत ज़्यादा हमारा जोर था कि कोई भी हालत में राष्ट्रवादी कांग्रेस को नागपुर शहर में पूर्व से टिकट मिलना चाहिए। पूर्व से हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे एक अच्छे कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और उसके नाम की चर्चा चालू है और पार्टी को टिकट नागपुर से पहली बार मिली है 25 साल में, उसके लिए सभी पार्टी के नेता सब खुश है। हम ये पूर्व की सीट सभी मिलके कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना मिलके हम चुन के लाएंगे। अभी ऐसा है कि एक दफ़े पूरे फॉर्म भरना हो गया 29 तारीख तक, उसके बाद में साहब का शेड्यूल तैयार होगा और साहब का शेड्यूल तैयार होने के बाद में वो हिसाब से विदर्भ में 100% आएंगे। सही न कि अभी सर्व कार्यकर्त्याशी चर्चा करना चालू है, आज सुद्धा काही अनेक जिल्हा व सर्कलचे कार्यकर्ते बोलावले, उद्या सुद्धा बोलावले आहेत आणि कार्यकर्त्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय काटोलमधून अनिल देशमुख लढवणार की सलील देशमुख लढवणार याच्या बाबतीत आम्ही सर्व सहकाऱ्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ। असं आहे की मी ज्या पद्धतीनं मला खोट्या आरोपामध्ये फसवण्यात आलं होतं त्याच्याबद्दलचा संपूर्ण, कशा पद्धतीनं मला खोट्या आरोपामध्ये फसवण्यात आलं होतं, कोर्टाने काय निकाल दिला, चांदीवाल जस्टिस चांदीवाल साहेबांनी काय निकाल दिले याच्या बाबतीत संपूर्ण मी माझ्या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे। आजसुद्धा माझ्या ट्विटर हँडलवरनं मी काही गोष्टी लीक केल्या, त्या समाज माध्यमामध्ये आपण पाहू शकतो।